नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टर्निंग पॉइंट। आज हम फिर से जर्नल्स डिस्कस करेंगे जो कि स्कोपस इंडेक्स्ड हैं, वेब ऑफ साइंस और साइंस सिटेशन इंडेक्स्ड हैं। बट आज हम जिन जर्नल्स की बात करेंगे वो मैथमेटिक्स फील्ड के हैं, क्योंकि ये भी वीडियो व्यूअर्स की डिमांड पे है। उनको मैथमेटिक्स के फ्री जर्नल्स चाहिए थे इन विच हम फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश करा सकते हैं, एंड मोर ओवर इनका रिव्यू टाइम भी कम है। और ये सारे ही SCI, स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस, इसके अलावा और भी बहुत सारे डेटाबेसेस में इंडेक्स्ड हैं। तो बिना किसी देरी के हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जर्नल विच आई वांट टू डिस्कस इज, उसका नाम है एडवांसेस इन मैथमेटिक्स। ये जर्नल एल्सवियर पब्लिशर का है। अगर आप इसका इंपैक्ट फैक्टर देखें तो इसका इंपैक्ट फैक्टर है 1.7, और अगर हम इसके फुल एम्स एंड स्कोप देखें तो यू कैन सी फ्रॉम हेयर ये प्योर मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स कवर करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्टडी प्योर मैथमेटिक्स में है तो आप इस जर्नल में अपना पेपर पब्लिश करा सकते हैं। अगर हम गाइड फॉर ऑथर्स में जाके चेक करें कि इसकी पब्लिशिंग कॉस्ट है या नहीं, तो हम ओपन एक्सेस पे जाएंगे। यहाँ पे जाके ओपन एक्सेस का पेज ओपन करके हम देख सकते हैं नो ओपन एक्सेस पब्लिकेशन फी। एक्चुअली ये जर्नल दो तरह के पब्लिकेशन प्रमोट करता है, एक ओपन एक्सेस और एक विदाउट ओपन एक्सेस। तो इसमें ये हाइब्रिड मोड का है, तो इन आपको आप दोनों में से जो भी ऑप्शन ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट ये वीडियो स्पेसिफिकली फ्री जर्नल्स के लिए है, तो मैं प्रेफरेबली आपको कहूंगी कि आप नो ओपन एक्सेस वाली ऑप्शन चूज करके इसमें अपना पेपर पब्लिश करा सकते हैं। द सेकेंड जर्नल जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ उसका नाम है बुलेटिन ऑफ कंप्यूटेशनल अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये जर्नल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स भी कवर करता है। अगर हम इसके आर्टिकल पब्लिशिंग चार्जेस चेक करें तो हम देखते हैं, यू कैन चेक फ्रॉम हेयर आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस। बुलेटिन ऑफ कंप्यूटेशनल एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स डस नॉट चार्ज एनी एडिटोरियल सर्विस एंड प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल, ऑल्सो देर इज नो सबमिशन चार्जेस। तो आप यहाँ से देख के चेक कर सकते हैं कि इसकी भी कोई भी पब्लिकेशन कॉस्ट नहीं है। तो ये मैथमेटिक्स के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर करता है, बुलेटिन ऑफ कंप्यूटेशनल एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो ये हो गया हमारा सेकंड जर्नल। नाउ मूव टुवर्ड्स द थर्ड वन। जो थर्ड जर्नल है इसका पब्लिशर स्प्रिंगर है और इसका नाम है एडवांसेस इन कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स। अगर हम इसके एम्स एंड स्कोप देखें तो ये इस तरह के टॉपिक्स कवर करता है, अप्रोक्सीमेशन थ्योरी एंड कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री, न्यूमेरिकल एनालिसिस, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन एंड इमेजिंग सिग्नल प्रोसेसिंग एंड डेटा एनालिसिस। कहने का मतलब है कि आप इसमें मैथमेटिक्स एज वेल एज कंप्यूटर साइंस दोनों के पेपर पब्लिश कर सकते हैं। अगर हम इसके आगे देखें तो इसका इंपैक्ट फैक्टर है 1.7, और इसका जो फर्स्ट डिसीजन है टाइम टू कन्वे द फर्स्ट डिसीजन, ये सिर्फ 31 डेज लेता है। तो इसका 5 ईयर इंपैक्ट फैक्टर देखें तो 1.8 है। तो आप देख सकते हैं कि ये जर्नल भी काफी अच्छा है, जिसमें आप अपना पेपर सेंड करके पब्लिश करवा सकते हैं, एंड मोर ओवर इसका पब्लिशर स्प्रिंगर है। द थर्ड जर्नल विच आई वॉन्ट टू डिस्कस इज फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स। ये जर्नल भी स्प्रिंगर का है। इसके भी एम्स एंड स्कोप अगर हम देखें तो इसमें बताया हुआ है, द जर्नल एम्स टू प्रमोट द एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑल फंडामेंटल इश्यूज अंडरलाइंग द क्रिएटिव टेंशन अमंग मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन एरियाज एनकम्बर्ड बाय एन एक्सटर्नल क्राइटेरिया। तो ये भी इसमें कंप्यूटर साइंस के एज वेल एज मैथमेटिक्स के पेपर, दोनों तरह के पेपर आप पब्लिश करवा सकते हैं, और इसका इंपैक्ट फैक्टर है 3.0, दैट मीन्स इसका इंपैक्ट फैक्टर 3 है, और इसके भी देर आर नो चार्जेस टू पब्लिश इन दिस जर्नल, क्योंकि ये भी हाइब्रिड मोड सपोर्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है हाइब्रिड ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नल। मीन्स अगर आप ओपन एक्सेस में पब्लिश कराएंगे तो आपको पब्लिकेशन फीस देनी पड़ेगी, अदरवाइज यू डोंट नीड टू पे एनी पब्लिकेशन फीस। तो ये जर्नल भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी काफी अच्छा है। फिफ्थ जर्नल विच आई वॉन्ट टू डिस्कस इज जर्नल ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स। ये वाला वो जर्नल है। ये जर्नल ऑलमोस्ट हर तरह के टॉपिक्स कवर करता है। दिस इज एन ओपन एक्सेस जर्नल। पेपर्स आर अवेलेबल फॉर नॉन कमर्शियल यूज अंडर द क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ एवर
Articles published in JAMCM are permanently free for everyone to read and download. All reviewed accepted articles are published free of charge. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसके कोई भी आर्टिकल प्रोसेसिंग फीस नहीं है. जो भी आर्टिकल एक्सेप्ट हो गए उनकी पब्लिशिंग के लिए कोई भी कॉस्ट आपको नहीं देनी पड़ेगी. तो ये जर्नल भी स्कोपस इंडेक्स्ड है एज वेल एज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी रिव्यू टाइम भी बहुत कम है. अगर हम इसका सिटेशन स्कोर देखें तो ये 1.3 है एंड इम्पैक्ट फैक्टर इसका 1.0 है. तो दिस जर्नल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसमें भी अपना पेपर पब्लिश कर सकते हैं, जर्नल ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स. नेक्स्ट नेक्स्ट एंड सिक्स्थ जर्नल आई वॉन्ट टू डिस्कस इज एडवांसेस इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स. तो ये जर्नल सभी तरह के टॉपिक्स कवर करता है और इसके भी कोई भी आर्टिकल पब्लिशिंग चार्जेस नहीं है. अगर आप इसका सारा इनसाइट्स देखें तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर 0.4 है, फाइवर इम्पैक्ट फैक्टर 0.5 है, साइट स्कोर 1.3 है और बाकी ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं. तो आप देख सकते हैं कि आप प्योर मैथमेटिक्स एज वेल एज अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों तरह के पेपर इसमें पब्लिश कर सकते हैं. और ये देखिए मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग, टाइम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस मेथड्स, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स एंड सैम्पलिंग थ्योरी. तो इस तरह के जो भी टॉपिक्स हैं ये सारे इस जर्नल में कवर होते हैं. तो आप इसका एम्स एंड स्कोप देख के अगर आपको जो सूटेबल लगता है, अगर आपका स्टडी इसी टॉपिक में है तो आप अपना पेपर इसमें पब्लिश कर सकते हैं, एडवांसेस इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स. द लास्ट एंड सेवंथ जर्नल विच आई विश टू डिस्कस इज अल्जब्रा एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. ये भी जर्नल अल्जब्रिक एज वेल एज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये सारे ही टॉपिक्स कवर करता है. इसकी साइट हम अगर फुली ओपन करें तो आप देख सकते हो ये इसकी पूरी ओवरव्यू दी हुई है, अल्जब्रा एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अबाउट. तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हो. ये जर्नल भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये स्कोपस वेब ऑफ साइंस इंडेक्स्ड भी है और इसके पब्लिशिंग टाइम भी मतलब रिव्यू टाइम भी कम है. तो इस जर्नल में भी आप अपना पेपर पब्लिश करवा सकते हैं, अल्जब्रा एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. आई होप ये सारे जर्नल्स आपको पसंद आए होंगे. आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका पेपर किस में पब्लिश हुआ और इनमें से आपको कौन सा जर्नल पसंद आया. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड चैनल. थैंक यू.